और बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं आगे शुरुआत, जहां चंद्रयान ने भेजा है चांद का नया वीडियो। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए कैसे लैंडर के ऑनबोर्ड कैमरे ने ये वीडियो भेजा है। इसरो ने ये वीडियो जारी किया है। चंद्रयान को लेकर जिस तरीके से काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उसके बाद इसरो की तरफ से तमाम लेटेस्ट जानकारियां भी सामने आ रही हैं और ये अब तस्वीरें जारी की गई हैं कि किस तरीके से हर मूवमेंट को, हर गतिविधि को फॉलो किया जा रहा है। और ये साफ तौर पर इसरो की तरफ से कहा गया, द मिशन इज ऑन शेड्यूल, सिस्टम आर अंडरगोइंग रेगुलर चेक्स, यानी अब हर गतिविधि पर नजर बनाई गई है और उसे क्रॉस चेक भी किया जा रहा है। पच्चीस घंटे बाद चंद्रयान 3 इतिहास रचने वाला है। इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को चंद्रयान 3 की कामयाबी पर पूरा भरोसा है। चंद्रयान 3 से जुड़ी हर जानकारी और कैलकुलेशन को कई कई बार चेक किया जा रहा है। इसरो की तरफ से चंद्रयान से जुड़ी हर जरूरी डिटेल शेयर की जा रही है। लेटेस्ट अपडेट में इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 का मिशन ऑल इज वेल है। 25 घंटे बाद भारत का मिशन मून इतिहास रचेगा। इस बीच चंद्रयान ने चांद का नया वीडियो भी भेजा है। लैंडर के ऑनबोर्ड कैमरे ने इन तस्वीरों को कैप्चर किया है। तस्वीरें 70 किलोमीटर की ऊंचाई से कैमरे में कैद की गई है। कल शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। इसी वक्त चांद की दक्षिणी ध्रुव की सतह पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग होगी। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की चुनौती क्या है, ये भी समझ लीजिए। बड़े बड़े पहाड़ और कैट्रस मौजूद है। दक्षिण ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में रहता है। कई गड्ढे अरबों सालों से अंधेरे में डूबे हैं। अंधेरे की वजह से गड्ढे बेहद ठंडे हैं। तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। साउथ पोल पर पानी और खनिज मिलने की भी उम्मीद है। सोलर सिस्टम के पुराने जीवाश्म भी मिल सकते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी है कि 25 घंटे बाद चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होगी। कल शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरेगा लैंडर मॉड्यूल। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा विक्रम लैंडर। कल 5:20 से लैंडिंग का लाइव प्रसारण होगा। सेंसर की मदद से समतल सतह को लोकेट करेगा लैंडर।